हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा था अपना, इसमें हमने न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एक फ्लूड लाइक सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड फ्लूड जैसा सब्सटेंस होता है जो किस में प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो चारों तरफ फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं उनमें ईच सेल ऑर्गेनल का एक स्पेशल फंक्शन होता है, सब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स। और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें ये सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वाइल जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उस यूकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो जो ये मेम्ब्रेन होती है इसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, ये जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे वेरियस चैम्बर्स बना देती है साइटोप्लाज्म के अंदर और सेपरेट कर देती है उन सबको। अब इस यूनिट मेम्ब्रेन की स्पेसिफिसिटी भी होती है, जैसे वायरस होता है, वायरस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसलिए कोई लिविंग करेक्टर वो शो नहीं करते हैं जब तक कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एंटर नहीं हो जाते हैं। उसकी सेल मशीनरी को वो यूज़ करते हैं और तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली जो है उनका नंबर जो है वो उसके अंदर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया होगा साइटोप्लाज्म? अगेन रिपीट कर लेते हैं हम, देखो इट्स ए फ्लूड लाइक सब्सटेंस लाइंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, ईच हैव स्पेशल फंक्शन, ईच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इन यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है इट्स प्लेज इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रोल्स, लाइक इन वायरस दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, हैंस दे डू नॉट शो द लिविंग करेक्टर्स एंटिल दे एंटर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और वो उसकी सेल मशीनरी को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स की, कि सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल रिक्वायर अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल होती है उसको में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है टू सपोर्ट द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो सेल की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट करती है। टू कीप द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और ये जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की वो एक दूसरे को सेपरेट करती है। दीज सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर, और जो ये जो सेल होती है इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनल्स। जिन्हें क्या कह देते हैं? ऑर्गेनल्स। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इनमें से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वो दिखाई नहीं देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट इज द गॉल्जी एपरेटस, थर्ड इज द लाइसोसोम्स, फोर्थ इज द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। दे आर द इम्पॉर्टेंट, ये सभी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे कैरी आउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सेल, क्योंकि ये सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं उन्हें कम्प्लीट करते हैं, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर टूडे इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेयर दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट?
लाइक दिस इज द सेल, ठीक है, और दिस इज द न्यूक्लियस. तो सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होता है. ये पूरा एक नेटवर्क बना लेता है, स्केलेटल बना लेता है सेल का, जिसे हम क्या कह देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट फर्स्ट इसे किसने रिपोर्टेड किया, किसने डिस्कवर्ड किया? तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द पॉटर, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द पॉटर इन 1945. किस में देखा इन्होंने? इन सेल, लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सभी प्लांट और एनिमल्स की जो लिविंग सेल्स थी उन सभी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट. ठीक है, कैसा होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंडेड शीट ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, बाउंडेड शीट्स की तरह होती हैं, ट्यूब्यूल्स की तरह होते हैं, वेसिकल्स की तरह होती हैं. ठीक है, ER इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो ER है उसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होता है. इट इज़ अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. और ये किससे अराइज होती है? न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे अराइज होती है और एक्सटेंड हो जाती है कहाँ पर? पूरी एक्सटेंड हो जाती है कहाँ से कहाँ तक? सेल मेम्ब्रेन तक. न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से ये अराइज होती है और सेल मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड हो जाती है. सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया? तो पॉटर ने किया. कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है, जिसमें कुछ शीट्स की तरह होंगे, कुछ ट्यूब्यूल्स की तरह, कुछ वेसिकल्स. ये आगे स्ट्रक्चर देखेंगे हम. ER इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. इस ये जो होती है वो न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होता है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होती है और कहाँ तक एक्सपेंड हो जाती है? सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ तक ये एक्सपेंड हो जाती है. नाउ स्ट्रक्चर्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाम से पता चल रहा है स्मूथ मीन्स इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. ये अपनी सरफेस से राइबोसोम से कैसे होती है? फ्री होती है. सो स्मूद होती है. स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट्स, स्मूद इसलिए भी है, फैट और लिपिड का मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चर करती है ये, और ये सेल फंक्शन के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और ये फैट एंड लिपिड मैन्युफैक्चर करती है. RER रफ इसलिए क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या होंगे? राइबोसोम्स. इट बियर्स राइबोसोम इन इट्स ओन आउटर सरफेस एंड बिकम रफ. RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. किसका साइट होते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होते हैं. फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ER के? ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक्सपेंड होता है ये. तो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, एक शेप प्रोवाइड करता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है मटीरियल के. तो ER हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल. मटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है. एंड ER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और ये सेल मेम्ब्रेन में सिग्निफिकेंट फंक्शन भी करती है, फॉर्मेशन भी करती है सेल मेम्ब्रेन का, इसलिए हम इसे बायोजेनेसिस भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन बनती है इससे. RER इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. RER प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, जबकि SER लिपिड सिंथेसिस का साइट होता है और सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम और हारमोन्स. और बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं वो एंजाइम और हारमोन्स की तरह फंक्शन भी करते हैं. तो ये हमने आज एक ऑर्गेनेल डिस्कस कर लिया, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे.